अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, कोई टेंशन कोई परेशानी नहीं होगी। आज ही हम बनाने जा रहे हैं माश की दाल। मेरी बेटी को बहुत पसंद है, दालें बड़े शौक से खाती है, तो आज इसकी ज़िद है कि मामा जान आज दाल बनेगी तो मैं खाना खाऊंगी। वैसे तो खाना खाती बहुत कम है। अच्छा जी, उसके लिए दाल माश बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। माश की दाल ऑलमोस्ट एक पाव से थोड़ी कम ही है। दो छोटे छोटे स्मॉल साइज़ के प्याज थे वो लिए हैं, एक टमाटर लिया है। उसके बाद आपको इसमें स्पाइसेस चाहिए, हल्दी चाहिए, मेथी चाहिए, ये दादर मिर्च चाहिए, पीसी हुई मिर्च चाहिए, गरम मसाला चाहिए, ये साबुत मसाला बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दाल को भिगो देंगे, इसको अच्छे से धो लेंगे, इसको अच्छे से चुन लेना है। मैंने इसको अच्छे से चुन लिया है, तो आप इसको अच्छे से भिगो के इसके पानी दो चार निकाल के उसके बाद फिर इसको रख दें। उसके बाद फिर हम अपने जो है पैन में डालते हैं प्याज, उसको करते हैं फ्राई। ठीक है जी, चलें चलते हैं फ्राई की तरफ। ये देखिए जी, हमने ऑयल डाल दिया है प्रेशर कुकर में। दाल में बनाती हूँ, वैसे नहीं बनाती प्रेशर कुकर के बिना, नहीं बनाती, मतलब कि इसमें मैंने ये डाल दिया है। उसके बाद इसके अंदर अनियन कर दिए हैं, जब अनियन ब्राउन हो जाएंगे इसके अंदर फिर हम अपना टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अच्छा जी, ये देखें धुंधा गई, ये मैंने इसके अंदर टमाटर डाल दिया है। इसको अच्छे से चम्मच के साथ यूं यूं कर लें। अच्छा जी, अब हम इसके अंदर अपने स्पाइसेस डालते हैं। आधी चम्मच कुटी हुई मिर्च, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ी सी मेथी, उसके बाद जी नमक, मिर्च नमक देना, ये आप लोग देख रहे होंगे कि कुकर का क्या हाल की है। ये अभी अम्मी ने ना देखा, नहीं तो मैरिज की शामत आ जानी है। ये मैरिज के काम है। हाँ, ये मैरिज ने ऐसे कमाल के आलू इसमें बॉयल किए हैं कि कुकर का हाल बुरा कर दिया है। थोड़ा सा इसके अंदर पानी डालें, ये लें जी थोड़ा सा पानी। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम ढक्कन देके रख दें कि ताकि ये जो हमारा मसाला है ये अच्छे से गल जाए। ठीक है, चलें जी ढक्कन देते हैं। अब ये देखिए जी, ये हमारा मसाला जो है काफ़ी हद तक गल चुका है। अब इसके अंदर हम दाल को दाल डाल देंगे। मैं दाल का पानी निकाल के देना। ये बेविश आप लोग समझ रहे होंगे कि रुकैया है, रुकैया नहीं है, ये मेरी छोटी बहन है। पर आज काम चोर काफ़ी है, लेकिन आज पता नहीं मेरे कैसे काम आ रही है। ये देखें जी, ये दाल हमने अच्छे से धो ली थी। एक मिनट ठहर जाए, इसके अंदर एक कप पानी डाल दें। अच्छा जी, आप लोगों ने माश की दाल का ये एहतियात रखना है कि इसमें ज़्यादा पानी ना डल जाए, नहीं तो ये फिर इसका काचा पाचा हो जाएगा, मेहंदी बन जाएगी और ये हलीम सी बन जाएगी। पानी की क्वांटिटी ज़रा संभल संभल के डालिएगा। ये देखें इतनी सी है, इतना सा लेवल रखिएगा पानी का आप लोग। ठीक है, अब हम इसको प्रेशर कुकर लगा देते हैं। स्टीम जल गई मेरी उंगलियों पे, जलते जलते बच रही हैं। अब हम इसको प्रेशर कुकर लगा देंगे।
जब इसकी सीटी बोलने लगे तो तकरीबन 5 मिनट बाद बंद कर देना, और इसको स्टीम पे नहीं रखे रहने देना, फौरन इसकी स्टीम खोल देनी है, नहीं तो ये मेहंदी बन जाएगी। ठीक है जी, अब हम इसको प्रेशर कुकर लगा के पका के वापस आते। ये देखें जी, ये हो गई है हमारी दाल बिल्कुल रेडी, मज़ेदार सी। ये अच्छे से गल भी गई है और इसका मलीदा भी नहीं बना। इसके अंदर हम डाल देंगे कुछ कटी हुई सब्ज़ मिर्ची और थोड़े पुदीने के पत्ते। ठीक है जी, ये देखें। इसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। ठीक है जी, थोड़ी सी मेथी दोबारा से खुशबू के लिए, और ये हो गया, इसको हम फिर ढक देंगे। ये हमारी होगी दाल रेडी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज़ इसे घर में ज़रूर ट्राई करिएगा, और अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।